प्रदेश में अब 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। नगर विकास विभाग ने 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरी बैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। वहीं आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पॉलिथीन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दुकानदारों के पास से कई किलो पॉलिथीन जब्त की गई। जो शासन ने जो निर्णय लिया है कि 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से नीचे की सभी पॉलिथीन को बंद कर दिया जाएगा, तो उसी का प्रशासन इन्फोर्समेंट करवा रहा है। इससे पहले 2-3 दिन प्रशासन ने गांधीगिरी की है और लोगों को जागरूक किया है कि पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज से पॉलिथीन बैन हो गई है। इसलिए सभी दुकानों पर ये देखा जा रहा है, इंश्योर करवाया जा रहा है कि कोई भी 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलिथीन किसी भी दुकान पर ना मिले, और साथ ही साथ जो कस्टमर मिल रहे हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलिथीन का यूज वो लोग ना करें, और जो भी पॉलिथीन मिल रही है उनको जब्त कर लिया जा रहा है। प्रदेश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन पर प्रतिबंध के साथ ही यूपी पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन जाएगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना या 6 माह तक की सजा होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।